देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे मूल राशि। मूल राशि किस में आती है? साइंस में आती है। और साइंस आपने जाना ही था, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दी थी साइंस की परिभाषा यानी विज्ञान की परिभाषा। एक बार फिर से हम तुम्हें छोटा सा रिवीजन करा दे रहे हैं, यानी विज्ञान क्या है आप जानोगे। विज्ञान क्या है यानी कि सूर्य का निकलना, ठीक है, गाड़ी का सड़कों पर दौड़ना, ये मार्कर का बोर्ड पर चलना, लाइट का जलना, पंखे का घूमना, ये सभी क्या है, यानी इनका जो अध्ययन किया जाएगा वही चीज़ क्या कहलाती है, आपकी विज्ञान कहलाती है। अर्थात किसी भी क्रिया का अध्ययन करना, और अध्ययन भी ऐसा कि एक सिस्टमिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, एक सुव्यवस्थित संगठन के रूप में हम उसको उसका अध्ययन करेंगे तो वही क्या कहलाएगी, आपकी विज्ञान कहलाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से देखिएगा कि आप क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, जैसे पंखा घूमता है, क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, ठीक है, तो क्यों और कैसे लगाकर आपको जो उत्तर मिलेगा यानी कि वो उत्तर लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, विज्ञान में आएगा आपका। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन वो आपका किस में आ जाएगा, आपका वो भौतिक विज्ञान में आ जाएगा, यानी प्राकृतिक द्रव्यमान और ऊर्जा का जो अध्ययन करेंगे वो सारी उनके होने वाली क्रियाओं का अध्ययन वो भौतिक विज्ञान में आ जाता है। ये सारी चीज़ हमने पहले बता दी है, एक बार फिर से मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो समझ गए ना विज्ञान क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ का जो अध्ययन करते हैं हम, यानी कोई भी घटना का, ठीक है, आप ऐसा समझिए आप क्यों और कैसे लगा कर ये पंखा क्यों घूमता है। ठीक है, आपका गाड़ी का एक साथ अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? ठीक है, तो इसी तरीके से क्यों गाड़ी के अचानक तेज हो जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? इन सब चीजों का जो अध्ययन होगा वो किस में होगा, आपका विज्ञान में होगा। समझ में आई बात? अब विज्ञान में आपका दो चीजें हैं, यानी विज्ञान में यूज होने वाली राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। ठीक है, यानी कि अब हमने बात करी भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान की हमने बात कर ली तो वो क्या है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन या आपका द्रव्यमान और ऊर्जा का अध्ययन, आपका क्या कहलाएगा, आपका इन दोनों का आपस में संबंध या इन दोनों की आपस में क्या क्रियाएं, बोले तो द्रव्यमान का ऊर्जा में किस तरीके से रूपांतरण होता है और ऊर्जा का द्रव्यमान में किस तरीके से रूपांतरण होता है, इन चीज़ों का जो अध्ययन होगा वो आपका भौतिक विज्ञान होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, वैसे हम ये नॉर्मली वैसे ही बता रहे हैं दैनिक जीवन में, आपने मान लीजिए एक सेब लिया और वो खा लिया, यानी सेब में द्रव्यमान था वो खा लिया, थोड़ी एनर्जी आ गई, खाना खा लिया आप में एनर्जी आ गई, यानी जो खाना था ये रोटी थी ये चावल थे, आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर खा ली, यानी द्रव्यमान अंदर गया, शरीर में एनर्जी आ गई। ठीक है, अब बॉडी बनाते हो, जिम जाते हो, उस पर भी आपका क्या है, अब डाइट लेते हो, अंडा सेब संतरे जो भी जूस वगैरह पीते हो, तो द्रव्यमान को खत्म किया और एनर्जी बना ली, एनर्जी से फिर आपने कार्य किया वो फिर से बदल गया। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या है, यानी कि जो द्रव्यमान और ऊर्जा का आपस में जो रिलेशन है वो आपका, उसका अध्ययन पढ़ोगे वो किस में आएगा, भौतिक विज्ञान में। अब बात कर लें कि भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां यूज होती हैं उनको हम भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांटते हैं, भौतिक राशि को हम कितने भागों में बांटते हैं, भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांटा है, नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक क्या है आपका, नंबर एक है आपकी मूल राशि और ये हो गए मूल ये मूल राशि, और दूसरी व्युत्पन्न राशि, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मूल राशि कौन सी है और व्युत्पन्न राशि कौन सी है, आप देखिएगा, ऐसा समझिएगा जो राशि अपने आप में स्वतंत्र होती है, यानी किसी दूसरी चीज से मिलकर नहीं बनी है, यानी कि मैं तो अपने आप में बिल्कुल अकेला हूं। ठीक है, बोलो किसी चीज से मिलकर नहीं बननी है, यानी कि तो वो राशि क्या है आपकी, ये स्वतंत्र है, कैसी है, स्वतंत्र राशियाँ क्या कहलाती हैं, मूल राशि कहलाती हैं, ये किसी दूसरे से मिलकर नहीं बनी होती, यानी कि ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल स्वतंत्र है, तो इसलिए ये कैसी है, मूल राशि। लेकिन व्युत्पन्न राशि कौन सी है, वे राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती है, मूल राशियों पर, या यूँ कहिएगा कि जो राशि मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, तो ये कैसी है, ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, कौन सी, यानी कि ये मूल राशि तो अपने आप में स्वतंत्र है, यानी वे राशि जो किसी दूसरी राशि से मिलकर नहीं बनी होती हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वो सभी मूल राशि कहलाती हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशि कौन सी होती हैं, वे राशियाँ जो आपकी मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, यानी वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, अर्थात मूल राशियों से मिलकर बनती हैं या मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उनको हम व्युत्पन्न राशियाँ
कहते हैं, यानी कि वित्तमान राशि कौन सी है, जो मूल राशियों की सहायता से बनती है, मूल राशि की जो सहायता से बनती हैं और मूल राशियों की पर निर्भर करती हैं। जैसे आपका, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो समय है ये आपका मूल राशि किसी दूसरी राशि से मिलकर नहीं बना है, इसमें दूरी है, दूरी अपने आप में होती है, यानी कितना भी इसको मैं छोटा से छोटा करता जाऊँ उसमें भी कुछ ना कुछ दूरी होगी, यानी 1 mm, 2 mm, 0.5 mm, 0.003 mm, यानी कि कितना भी छोटा लेके चले जाइए इसका मैं छोटे से छोटा ले लूँ, बाल जो लोग उसको काट दो उसका भी कुछ ना कुछ दूरी होगी अपने आप में। दूरी बोले तो एक प्रकार की लंबाई, ठीक है। तो ये क्या है अपने आप में, मूल राशि। समय किसी दूसरी चीज से मिलकर नहीं बना है, आज कुछ समय और है, कभी कल कुछ और है, यानी कि अपने आप में होता है, ठीक है। तो ये चाहिए, लेकिन हम ये व्युत्पन्न राशि की बात करें तो चाल, आपका चाल ले लूं, चाल किस चीज से मिलकर बनी है, दूरी बटे समय, ठीक है। क्या आपका समय नहीं होता तो चाल कहलाती नहीं कहलाती, फिर तो वो दूरी कहलाती। यदि दूरी नहीं होती तो क्या समय चाल बनती, नहीं बनती। लेकिन ये अपने आप में दूरी क्या है, मूल राशि है, और समय क्या है आपकी, ये भी मूल राशि है। तो ये बनी ना बनी, यानी चाल जो बन रही है वो दो मूल राशियों की सहायता से बनती है। यदि ये मूल राशि नहीं होती तो चाल नहीं बनती, और चाल नहीं बनती तो मतलब क्या, व्युत्पन्न राशि बनती ही नहीं। तो मतलब क्या है कि व्युत्पन्न राशि जो प्राप्त होगी, व्युत्पन्न राशि जो बनेगी, तो वो किन से बनेगी, व्युत्पन्न राशि किससे बनेगी, मूल राशियों की सहायता से बनती हैं। तो व्युत्पन्न राशि की आपको परिभाषा ही पता हो गई, और आपको जान गए कि व्युत्पन्न राशि कहां से बनती है, मूल राशियों की सहायता से बनती है। और मूल राशि कहां से बनती है, कि मूल राशि किसी राशि से मिलकर नहीं बनती, वह अपने आप में स्वतंत्र होती है, यानी किसी दूसरी से मिलकर नहीं बनती। तो अब बात कर लेते हैं कि मूल राशि ऐसी कितनी राशि है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो ऐसी केवल 7 राशि है पूरी भौतिक विज्ञान में, आप 9वीं से लेकर 10वीं, 11वीं, 12वीं, फिर 13वीं, यानी BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, यानी कितनी भी कर लीजिए, उन सभी में आपको मूल राशियों की संख्या कितनी होगी, 7 मिलेगी। यानी पूरी जिंदगी में केवल आप कितनी राशि याद करनी है, केवल 7 राशि याद करनी है। तो नंबर 1 की हम बात कर लें तो नंबर 1 कौन सी है आपकी, तो वो 7 राशि कौन सी, यानी मूल राशि कितनी होती है, मूल राशियों की संख्या 7 होती है, ठीक है। अब बात कर लें कि हम इनकी जो ये 7 हैं ये कौन सी 7 होती हैं, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। एक पहली जो मूल राशि को हम बोलेंगे, क्रम कोई नहीं है, आप समझ लें ना, दूरी या बोले तो एक प्रकार की लंबाई, ठीक है, यानी लंबाई कह दीजिए या दूरी कह दीजिए, ये आपको मैं बोल रहा हूं लंबाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रतीक क्या होता है, इसको लेंथ बोला जाता है, इसलिए हम इसको प्रतीक देंगे L, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, यानी मूल राशि के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। समझ में आ गई बात। नंबर दूसरे की हम बात कर लें तो दूसरी क्या है आपका, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास होता है, मास बोले तो M से हम इसको प्रतीक हम दे देंगे इसका, और इसका क्या हो जाएगा मात्रक, इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, यानी कि आपका KG, ठीक है, और ये आपका मीटर। समझ पाए बातों को। अब तीसरी जो मूल राशि है उसका हम नाम देंगे आपको, तीसरी समय है, ठीक है, समय का किससे आपको रिप्रेजेंट करोगे, T से करोगे, और इसका जो मात्रक है वो क्या है आपका, सेकंड, ठीक है, सेकंड हो गया। चौथी जो कौन सी है आपकी, ताप, ताप हो गया, ताप को क्या बोलते हो आप, टेम्परेचर बोलते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको समय को किससे, आपको टाइम T और ताप को क्या है, टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, के या थीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, उसे थीटा बोलेंगे, या फिर आप के बोलोगे, केल्विन। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है वही केल्विन, ठीक है। और इसके बाद में आ जाता है 5, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का प्रतीक हम I लिखेंगे, या आप लिखोगे इसकी जगह पर 1, क्यों, क्योंकि इसका मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अब छठे की बात कर लेते हैं, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसकी जगह पे मोल लिखोगे, और क्योंकि इसका मात्रक भी आपका मोल होता है। अब बात कर लेते हैं सातवां, सातवां क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को आप CD यानी कैंडेला से प्रदर्शित करते हो, क्योंकि इसका मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला, ठीक है। तो ये आपकी 7 मूल राशि हो गई, ठीक है। 7 मूल राशियों के अलावा भी आपकी 2 कैसी होती हैं, 2 पूरक राशि होती हैं, कौन सी, 2 पूरक राशि,
वो कौन सी हैं? नंबर एक और नंबर दो, एक कोण और एक होता है घनकोण। क्या? कोण और घनकोण। कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, रेडियन, और इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। ठीक है, इसका ये दो पूरक राशि कौन सी होती है, यानी मूल राशियों से अलग होती हैं और व्युत्पन्न राशियों से भी ये अलग होती हैं, तो इनका अलग नाम दिया गया है कोण और घनकोण। राइट, तो अब आप समझ पाए होंगे इन बातों को कि मूल राशि कितनी होती हैं आपकी। मूल राशि सात होती हैं, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इनके मात्रक ये हैं, आपने समय, दूरी पता है आपको, यानी कि इसको कितना भी छांट दो दूरी हो जाएगी, छोटी से छोटी भी लोगे, काट दो पीट दो, उसमें भी कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होगी। द्रव्यमान, उसमें कुछ ना कुछ वजन भी होगा। समय, समय कुछ होता है। ताप, यानी ताप भी समझ रहे हो, यानी टेम्परेचर, यानी अभी यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, कहीं बाहर चले जाओ कुछ और है, दोपहर को कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा। वैद्युत धारा, यानी कि किसी में हर प्रत्येक पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या हो जाता है, आपका वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके चलने से आपका धारा उत्पन्न होती है। और इनका वैद्युत इलेक्ट्रॉन का जो मुक्त मॉडल है तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, तो आप समझ जाना ये करंट भी अपने आप में एक अलग राशि होती है। ठीक है, अब ये वैद्युत पदार्थ की मात्रा क्या होती है और ये क्या नाम है, ये हम ये इन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। पदार्थ की मात्रा, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये आपका मार्कर है, और मार्कर यानी कि मार्कर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं अब तक, और नहीं पढ़ी है तो इनके ऊपर भी अभी केमिस्ट्री में आपकी वीडियो आ जाएगी, यानी कि उसके पदार्थ की पूरी आंतरिक संरचना के बारे में हम बताएंगे। तो यानी कि कुल मिला के आप ध्यान रखिएगा कि ये पदार्थ जो बना है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे आपका दीवार है, दीवार बहुत सारे कण, जैसे ईंट है, ईंट में भी छोटे छोटे मिट्टी के कण मिलकर बने, मिट्टी में भी कुछ कण होंगे। तो उसी तरीके से जो कोई भी पदार्थ है तो उसके अंदर एग्जैक्टली जो पदार्थ की मात्रा है वो कितनी है, यानी छोटे छोटे अणुओं की जो मात्रा है वो कितनी है, यानी कि उसके अंदर जो एटम है वो कितने हैं। जैसे आपका मैं ले रहा हूं CH4, मैथेन है जिसे मीथेन बोलते हो आप, इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, H के परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब H जो परमाणु है उसके अंदर कितने अणु हैं, यानी छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं की जो संख्या है एग्जैक्टली, तो उसको बोलेंगे हम पदार्थ की मात्रा, यानी कि कोई भी पदार्थ उसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, उसमें मोलों की संख्या जो होती है। ठीक है, मोलों की संख्या ही आपकी क्या कहलाती है, देखो ये मोल, मोल बोले तो उसके अणुओं की संख्या, यानी कि उसमें कितने अणु हैं। जैसे आपने जाना था एक मोल में कितने अवोगाद्रो संख्या, जिसने अवोगाद्रो का नियम नहीं पढ़ा है, अवोगाद्रो के बारे में नहीं जाना है, तो वो हमने केमिस्ट्री की एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारा कुछ उसके बारे में बताया है। 6 पॉइंट जितना भी मान होता था उसका, 6.06623 ऐसे करके 10^23 करके कुछ था उसका मान। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसमें देख लेना आप। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप हमारी केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें पदार्थ की मात्रा समझ में आ गई। नहीं, कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक, कोई भी जो आपका मटेरियल है वो किन अणुओं से मिलकर बना है, उन अणुओं की संख्या आपकी क्या कहलाती है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, उसको हम किस में तोलेंगे, मोल में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक मोल का मात्र वही अवोगाद्रो की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब बात कर लें ज्योति तीव्रता क्या होती है। ज्योति तीव्रता ऐसे समझिएगा कि लाइट जल रही है और लाइट से क्या निकल रही है, किरणें निकल रही हैं आपकी। ये आपका कोई मान लीजिए ये बल्ब है और इससे क्या निकल रही है, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। ठीक है, ये बल्ब है और बल्ब से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। तो ये जो एक मान लीजिए कोण, ये घनकोण है। घनकोण का मतलब होता है, जैसे देखिएगा ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, मैं ऐसा बना दूं तो ये घनकोण बनेगा, एक गोल आपका एक एरिया। ठीक है, 360 अंश पर एक एरिया इस टाइप का। ठीक है, और कोण कैसा होगा, दो रेखाओं के बीच में बना कोण, यानी कि ये कितने एंगल पर, ये ऐसी रेखा और ये ऐसे रखिए, तो ये कितने एंगल बना रही है दोनों के बीच में। लेकिन हम इसको इस टोटल को ऐसे क्लोज कर दें तो वो घनकोण बन जाएगा। तो कोण घनकोण समझ में आ गया। ठीक है, अब तो एक एकांक घनकोण से निकलने वाली वैद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, क्योंकि ये प्रकाश निकल रहा है, तो कितना प्रकाश निकल रहा है उसकी मात्रा,
वो क्या कहलाएगी आपकी ज्योति तीव्रता कहलाती है, इसे कैंडला कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो कैंडला होता है ना, कैंडला भी अपने आप में एक मात्रक रखता है, ध्यान रख लेना कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कैंडला बराबर होता है 1 ल्यूमेन बट्टे स्टेरेडियन। ये एक कैंडला है, एक यानी कि एक ल्यूमेन अपॉन एक स्टेरेडियन। एक ल्यूमेन किसका होता है, यानी कि ज्योति फ्लक्स का, ज्योति जो तीव्रता, यानी ज्योति तीव्रता जो है उसमें ज्योति फ्लक्स लगता है, और ज्योति फ्लक्स की जो मात्रक होता है वो कितना ल्यूमेन में होता है, और स्टेरेडियन यानी घनकोण का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ज्योति तीव्रता का जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसे बनता है कि ज्योति फ्लक्स अपॉन ये बनेगा आपका ज्योति फ्लक्स का अपॉन घन कोण। ये इसका ज्योति तीव्रता का फॉर्मूला बन गया, समझ पाए बातों को। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन अपॉन ये स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हो गया, ज्योति तीव्रता भी हमें समझ में आ गई, कौन घन कौन भी समझ में आ गए। और लेकिन जब भी आपका कोई भी और डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, और आई होप कि मैं इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। यदि समझा पाया हूँ, आप समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और हमारे जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, ठीक है। और इन चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी बना लीजिएगा आप कंपटीशन के लिए, और आपके 11वीं क्लास, 9वीं क्लास और बीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो आप समझ पाए, नई चीज़ सीखे होंगे कि कैंडला का मात्रक कितना, कैंडला में भी कितने मात्रक, यानी ल्यूमेन अपॉन ये क्या होता है, ये सब चीज़ आपको, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये आप क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। तो और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अब हमने जो वो बताई थी, यानी कि आपकी व्युत्पन्न राशियाँ बताएं, तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई बस इसी को यहीं पर करते हैं।